हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज कतर में कितना ज़्यादा सनी डे है और ब्यूटीफुल सा डे है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विंडो ओपन कर दिया है मैंने, उठ के ही बहुत ज़्यादा सनी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा ओपन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। कोरोना वायरस की वजह से देखिए कितना ज़्यादा सुनसान सा हो गया ये रास्ता जो है ना, ये रोड जो है ना, वैसे बहुत ज़्यादा बिजी होता है, अभी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर जीशान खड़ा हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है विंडो ओपन करके यहाँ पर खड़ा होना। तो वो यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे देख रहा है बाहर, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम जो है ना विंडो ओपन करते हैं समर में। अभी तो समर नहीं आ रहा है तो हम विंडो ओपन कर, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एग, मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पराठे और पराठे के साथ गुड़ मैंने लिया है, मुझे बहुत पसंद है। देखिए जीशान ने बर्थ ले लिया है, अभी मैं जाऊँगी बर्थ लेने, है ना। हाय से हाय। तो है ना ओपन कर दिया विंडो को, कुछ दिन बाद ना ऐसे विंडो ओपन नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होते है। समर जब आते हैं ना कतर में बहुत ही ज़्यादा सनी होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होते है, तभी अभी तो वेदर सही है इसलिए मैं ओपन कर रही हूँ। थोड़ा सा धूप आ रहा है तो अच्छा लग रहा है बैठने पर, तो थोड़ा सा बैठती हूँ यहाँ पर और आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए कतर का जो भी है ना। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। जीशान को मैं पहले खाना खिला देती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? और इंशाल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। आप लोगों को पता चल रहा होगा कतर का सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है और आई एम श्योर कतर की मिनिस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी सब कुछ हैंडल कर लेंगी। बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब सिक्योर कर रही है, स्पीड होने से रुक रहा है क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मतलब ये लगा हुआ है। तो आई होप जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कुछ बंद हो गया है, प्ले एरिया मेट्रो जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सब भी बंद हो गया। और यहाँ पे गैदरिंग जो होते हैं वो भी बंद मना कर दिए इन लोगों ने, रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिया, सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हो, अदरवाइज आप होम डिलीवरी कर सकते हो, वही सिर्फ ग्रोसरी शॉप जो है वो ही ओपन है, वो भी आप होम डिलीवरी कर सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों से, मैंने नहा लिया, जीशान को भी नहला दिया था मैं। और अभी क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा बोरिंग सी लाइफ हो गया है, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ करने को ही नहीं है क्योंकि यार यू नो घर पे ही अगर आप फैमिली के साथ अगर सब है ना, फैमिली इन-लॉज वगैरह सब होते हैं ना साथ में तो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हमें भी अच्छे लगते थे यहाँ पे, हम बाहर जाया करते थे, हस्बैंड ऑफिस से आ जाए तो हम बाहर जाते थे, थोड़ा सा वक्त मिलता है, जीशान को प्ले एरिया लेके जाते थे, अब वो नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि घर पे बंद हो गए हम। आई होप सब सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए, हर जगह सब ठीक हो जाए, ईरान हो रहा है अभी चाइना के बाद, ईरान भी बहुत ही हो रहा है और इटली में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरोप इटली सभी में। तो आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मैं भी कतर में भी जल्दी ठीक हो जाए मैं यही प्रे कर रही हूँ। लेकिन मिनिस्ट्री यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसिलिटीज दिया हुआ है सभी को, आई होप सब जल्दी रिकवरी कर लेंगे और रिकवरी हो भी रहा है माशाल्लाह से। और मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती थी गाइस, क्योंकि मेरे ना वन वीक से ना मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्पम हो रहा है, इन ऑलमोस्ट 20 ऐसे आ रहा है स्पम मैसेजेस, बताइए। तो जो है जो न्यू सब्सक्राइबर्स, मैंने उनका चैनल भी ऑपरेट करके देखा है, 121 ऐसा ही कुछ सब्सक्राइबर्स है उनका, न्यू यूट्यूबर्स है जो, प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हो हेल्प, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी, या कोई भी मेरे फ्रेंड्स जो है यूट्यूबर्स है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आप स्पैम मत करिए। अगर मेरे वीडियो अगर आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे ना तो हर एक वीडियो का कमेंट्स जो है ना वो स्पैम में चला जाता है, आप ओपन करते हो फिर कमेंट करने लग जाते हो, ऐसे ना कमेंट्स स्पैम में चला जाता है गाइस। अगर आप YouTube में आ रहे हो तो आपको हर एक चीज़ जानना जरूरी है, ये स्पैम जो अटैक करती हो ना आप लोग, इसमें सिर्फ मुझे इफेक्ट नहीं पड़ती, आपके चैनल को भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा इस प्लीज़। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ,
मैं अपने चैनल को बहुत मेहनत से ग्रो कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करिए। मैं अपने चैनल को इफेक्ट पड़ रहा है मेरे चैनल पे, आप लोग स्पैम जो करके चले जाते हो ना, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, वैसे कट होने लगते हैं, तो इसे बिल्कुल ना करिए प्लीज़। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तभी मेरे चैनल को और वीडियो को ओपन करें, ओके। और जो आप वीडियो मेरे वीडियो देखो, वीडियो डायरेक्ट मत लिखिए, VDEO लिखो, VI मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो मत करो, स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट करके ही टाइप करो, तभी आपकी जो स्पैम है ना वो नहीं आएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट मेरे वीडियो को जो है हर वीडियो तो देखना ही है, ओके। 30 मिनट्स आपको मेरे वीडियो देखनी है तभी आप कमेंट्स करो, अदरवाइज कमेंट्स नहीं करनी है या मेरे वीडियो को ओपन नहीं करनी है, नहीं तो प्लीज़ मेरे मुझे अफेक्ट करती है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डोंट नो, जो न्यू यूट्यूबर्स है वो लोग आके ये करते हैं। मैं भी अपनी चैनल को ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कभी भी किसी के चैनल पे वीडियो नहीं देखे बिना कमेंट्स नहीं करती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत करिएगा, ओके। और अपनी कमेंट के चक्कर में मैं कमेंट कर रही हूँ तो वो भी मेरे वीडियो को देखेंगे? नहीं देखूँगी मैं, मुझे पता चल जाता है स्पैम कर रहे हो आप लोग, ओके। मैं ऐसे नहीं देखती हूँ, मुझे जिनकी वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं तभी देखती हूँ, आप लोग भी देखिए ऐसे ही। मैं नहीं बोलूँ कि मेरे वीडियो देखो देखो देखो, नहीं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियोस में तभी मेरे वीडियोस को ओपन करो, अदरवाइज मत करो, ओके गाइस। प्लीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर आप लोग मेरे कोई भी न्यू यूट्यूबर्स हो तो प्लीज़ आप लोग ऐसे जाके बोलिए कि आप मेरे घर आइए, आप लोग भी मेरे घर आइए, मेरे भी चैनल है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन यूट्यूब मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं करूँगी मैं, नहीं करती ऐसे सब्सक्राइब अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो, ऐसे बिल्कुल भी मत करिए गाइस। मैं सही में मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, क्योंकि मुझे 1 वीक से ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पैम हो रहे हैं, मुझे हर 18 स्पैम मैसेजेस को रिमूव करनी पड़ती है, अदरवाइज आई हैव टेक एक्शन गाइस, मैं रिपोर्ट कर दूँगी। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा मेरे चैनल पे आके, बहुत मेहनत लगती है यार गाइस, वीडियो बनाना, ऊपर से एडिटिंग करना, यू नो। आई होप आप लोगों को भी पता होगा, इजीली कुछ नहीं मिलता है। आप किसी के चैनल पे जाके ऐसे ऐसे करोगे ना, आपको सब्सक्राइबर्स नहीं गेन होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी वीडियोस को इंक्रीज अच्छे से अच्छे बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और सब्सक्राइबर्स से कुछ नहीं होता गाइस, आपको फर्स्ट टाइम कंप्लीट करनी होती है सबसे पहले, आपको सब्सक्राइबर्स से कुछ भी मतलब नहीं है यूट्यूब में। सब्सक्राइबर तो ऐसे भी आ जाएंगे अगर आपके वीडियो में दम है तो, हाँ, लेकिन आप सब्सक्राइबर्स में इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप अपने काम करिए, मेहनत करिए, वीडियो बनाइए, ऐसे सब्सक्राइबर्स आ जाएगी, वर्स्ट टाइम कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज़। तो चलिए फिर गाइस, मुझे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बोल दिया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आई होप आप लोग ऐसा नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम किसी के भी, ये नहीं बोल रही कि मेरे वीडियो में, किसी के भी वीडियो में जाके ना ऐसे मत करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तभी वीडियो ओपन करिए, और एटलीस्ट 3 मिनट्स वीडियो को देखिए। मैं कब से बोल रही हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तभी मेरे वीडियोज़ को ओपन करिए, किसी की भी यूट्यूबर्स की बोल रही हूँ मैं, वीडियोज़ को ओपन करिए तभी आप कमेंट्स करिए। 3 मिनट्स एटलीस्ट वीडियो को देख के कमेंट करिए, और कमेंट प्लीज़ स्पैम कमेंट बिल्कुल ना करिएगा गाइस। आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट वीडियो बहुत सारे हैं, वहाँ पर स्पैम मैसेज क्या होते हैं आप लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा अच्छे से। तो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए, तभी अपना जो है चैनल स्टार्ट करिए गाइस, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं थोड़ा सा लंच करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और बहुत ज़्यादा सनी हो रहा है, गर्मी भी लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।